दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ओप्पो 12 अप्रैल को शाम 5 बजे इंडियन मार्केट में अपने ओप्पो F21 Pro 5G सीरीज को लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे स्पेशली बात करने जा रहा हूँ ओप्पो F21 Pro 5G के बारे में, कि उसकी स्पेसिफिकेशन, वो भी कंफर्म स्पेसिफिकेशन क्या होने वाली है, उसकी प्राइसिंग जो है इंडियन मार्केट में क्या होगी, इन टोटल सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ ओप्पो F21 Pro 5G से रिगार्डिंग। तो वीडियो में तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आपसे ओप्पो F21 Pro 5G के जो है यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 6.43 इंच का फुल HD प्लस वाला एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एटलीस्ट 90Hz का मिनिमम देना चाहिए था, बट नहीं, यहाँ पे 60Hz का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। अब दोस्तों, यहाँ पे सामने की तरफ जो आपको 16MP का सेल्फी कैमरा लगा दिया गया, 16MP सिर्फ। ओप्पो 32MP के लिए जाना जाता है, 32MP देना चाहिए था, बट नहीं, इन्होंने 16MP ही प्रोवाइड करा है। अब बैक की तरफ बात करें तो बैक की तरफ आपको सो कॉल्ड ट्रिपल कैमरा देखने को मिलते हैं, जहाँ पर जो प्राइमरी कैमरा है वो यूज़ करा गया है 64MP का, एंड सेकेंडरी एंड थर्ड कैमरा जो सिर्फ यूजलेस कैमरा यूज़ करा गया है, जिसका कोई काम नहीं होता है। अब दोस्तों, यहाँ पे बैटरी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा, एंड यहाँ आपको 33W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। कम ऑन यार, ओप्पो शिफ्ट करो यार, 50W दो, 65W दो, क्योंकि जिस प्राइस रेंज पे आप ला रहे हो इस स्मार्टफोन को, उस प्राइस रेंज पे 50W 65W तो नॉर्मली हो गया है यार, 33W पे कब तक छिपके रहोगे आप लोग, सेंस नहीं बनता है। एंड प्रोसेसर की बात करते हैं, यहाँ पे चुटकुला मतलब छोड़ दिया है, यहाँ पे देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट। जी हाँ, स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट के कारण ये 5G स्मार्टफोन बन जाता है, और जिस प्राइस रेंज पे आ रहा है ये स्मार्टफोन, उस प्राइस रेंज पे स्नैपड्रैगन 695 बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। खैर, जब लॉन्च होगा तब मैं और बात करूंगा इसके बारे में। एंड दोस्तों, यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देने को मिल जाएगा है, यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर ही देखने को मिलेगा। डुअल स्पीकर होता तो काफ़ी ज़्यादा मजा आ जाती, बट नहीं, सिंगल स्पीकर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये स्मार्टफोन जो है कलर वाइज 12 पे रन करेगा, जो कि आपको एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड 12 होना चाहिए यार, मैं सारी कंपनियां से कहना चाहता हूँ, जो भी अभी स्मार्टफोन लॉन्च करो यार, एंड्रॉयड 12 प्रोवाइड करो। अब एंड्रॉयड 13 का भी यहाँ पे सुनने को आ रहा है कि लॉन्च होने वाला, अब तो एंड्रॉयड 12 प्रोवाइड करना शुरू कर दो यार, कब तक चलेगा ये सब। एंड्रॉयड 12 यहाँ पे देना चाहिए था। एंड दोस्तों, इस स्मार्टफोन की थिकनेस है वो 7.55mm की होने वाली है, इसका जो वेट है वो 173g का होने वाला है। तो जी हाँ, ये स्मार्टफोन जो एकदम स्लीक एंड हल्का होगा, पूरा लाइट वेट होगा, जो काफ़ी अच्छा बात है, मतलब ओप्पो का खासियत होता है कि वो ऐसे फोन ही प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है। तो दोस्तों देखिए, ये स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट है वो कंफर्म तो नहीं है कि 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में होगा, या फिर 8+128 के साथ में होगा, यही दोनों में से कोई होगा, एक होगा 6+128 या फिर 8+128। मोस्ट प्रॉब्ली आप मानकर चलिए कि 8+128 जो है इसका अब बेस वेरिएंट ही होने वाला है। एंड दोस्तों, यहाँ पे उसकी प्राइसिंग जो है बाहर निकल कर आई है, जो कि बताया जा रहा है कि अप्रॉक्स 25,000 रुपये हो सकती है, मतलब 24,990 या फिर 25,990, यही दोनों में से कोई एक प्राइसिंग होने वाली है। और आप मानकर चलो, अगर 25,000 भी हो जाती है तो आप मुझे बताओ कि 25,000 रुपये में स्नैपड्रैगन 695 एक्सेप्टेबल है यार। स्नैपड्रैगन 695 लिटरली 25,000 रुपये में अगर लाती है तो कौन लेगा इस स्मार्टफोन को, 60Hz का रिफ्रेश रेट, सेंस क्या बनता है इस चीज़ का। खैर, जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा दिन में अपना अपना फ्रैंक ओपिनियन दूंगा, जब कंपनी कंफर्म कर देगी कि हाँ, हमने इस स्मार्टफोन का प्राइसिंग 25,000 रख दिया है, देन यहाँ से आपको एकदम फ्रैंक ओपिनियन देखने को मिलेगी, जो हमेशा देखने को मिलती है कि आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए। तो वेट रहेगा हमें 12 अप्रैल को शाम 5 बजे का, स्मार्टफोन में क्या क्या कुछ कन्फर्म हो जाते हैं। तो बस दोस्तों, फिलहाल यही था जो हमको बताना चाहता था। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ जाइए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपके ऐसे एक और नए वीडियो में। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।